निग्रोध मृग। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था और उसे निग्रोधराज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम शाखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकड़िया होते हैं, क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अतः एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच दो स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहां तहां भागदौड़ करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की और तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए वध्य हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरणी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूंकि वह शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरणी फिर निग्रोधराज के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोधराज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राणदान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निग्रोधराज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोधराज ने तब उसे गर्भिणी हिरणी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरणी को भी अभ्यदान दिया। निग्रोधराज ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा, उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा? राजा ने कहा, उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य आदि की अवैधता की घोषणा कर दी। और जब तक वह राजा जीवित रहा, उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई।